भाजपा की दूसरी सूची और कांग्रेस की पहली सूची सामने आने के बाद अलवर जिले की 11 विधानसभा सीटों में जहां भाजपा ने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, वहीं कांग्रेस ने मात्र 2 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसके बाद अलवर ग्रामीण और मुंडावर से भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। शनिवार शाम को आई भाजपा की सूची में अलवर शहर और मुंडावर से विधायक रहे संजय शर्मा और मंजीत धर्मपाल चौधरी को एक बार फिर मौका दिया गया है। देखिए, ये टिकट जो है अलवर शहर की आमजन और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज़ पर राष्ट्रीय नेतृत्व में और प्रदेश नेतृत्व में कमल के फूल के धारक के रूप में मुझे अलवर शहर की जनता के बीच में दोबारा भेजा है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पिछले 5 वर्षों में 2018 में अलवर शहर की आम जनता ने मुझ पर विश्वास जताया और मैंने पूरा प्रयास किया, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष किया, चाहे वो विधानसभा का फ्लोर हो, चाहे अलवर शहर की सड़कें हों। लगातार हम लोग आंदोलन करते रहे, समस्याओं के लिए जूझते रहे, उसमें बहुत हद तक हमने समस्याओं का निदान भी किया। और उन्हीं बातों को देख करके हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और विशेष रूप से अलवर शहर की जनता की आवाज़ पर और अलवर शहर के भारतीय जनता पार्टी के और विचारधारा से जुड़े हुए हमारे सभी कार्यकर्ताओं की आवाज़ पर उन्होंने कमल का फूल के रूप में, कमल के फूल के प्रतिनिधि के रूप में मुझे अलवर शहर की जनता के बीच में दोबारा भेजा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें अलवर शहर का आम मतदाता, हमारे विश्व के ख्यातिमान नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए अलवर शहर ही नहीं अपितु अलवर जिले की जो अलवर शहर से ही 11 विधानसभा सीटें हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी का पक्ष। अब ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, कितनी सच्चाई? देखिए, सनातन धर्म को ख़त्म करने वालों के खिलाफ ये चुनाव है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत माता का नाम पूरे विश्व के मानचित्र पर सबसे ऊपर किया है और G20 के दौरान जब सारे विश्व के राष्ट्र अध्यक्ष भारत के अंदर उपस्थित थे, विशेष रूप से राजघाट में जब महात्मा गांधी जी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने, पुष्पांजलि भेंट करने जब हमारे विश्व के तमाम राष्ट्र अध्यक्ष गए, हम सबके लिए गौरवशाली वो क्षण था कि एक और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर विश्व के सभी नेता उनको पुष्पांजलि श्रद्धांजलि भेंट करने जा रहे थे। उसके साथ साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इस देश के आम जनता का नेतृत्व करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि सारे राष्ट्र अध्यक्ष उनके पीछे थे, नरेंद्र भाई आगे थे, उस वक्त देश का एक एक जन का सीना, जो कहते थे 56 इंच का सीना, तो सब देशवासी ऐसा महसूस कर रहे थे कि हमारा स्वयं का सीना 56 इंच का सीना। वहीं थानागाजी से पिछले चुनाव में भाजपा के बागी रहे पूर्व विधायक हेम सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में मुंडावर से पिछले चुनाव में कांग्रेस के बागी रहे ललित यादव पर दाव खेला है। यहां भाजपा ने पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं अलवर ग्रामीण से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को फिर एक बार कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। इसके अंदर आज जिस प्रकार के हालात पैदा हुए हैं, कहीं भी आम जनता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, आपस में लोगों को लड़ाया जा रहा है और एक देश के अंदर इस प्रकार का नफरत का सा माहौल पैदा हुआ है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूँगा, हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। मेरा भी पहला काम यही रहेगा कि प्यार प्रेम और भाईचारे से सब लोग रहें, सब मिल के रहें, एकजुट रहें और आगे बढ़ें और अलवर ग्रामीण का विकास, राजस्थान का विकास तेजी से हो। आज राजस्थान जो है लगातार जिस प्रकार से GDP के अंदर यहाँ पे काम हुआ है, आज देश के अंदर सेकंड नंबर पे राजस्थान आया है, हम राजस्थान को फर्स्ट नंबर पे लेके आएंगे। और भाजपा ने यहाँ से पूर्व विधायक जयराम जाटव को प्रत्याशी बनाया है। अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली के नाम के ऐलान के बाद जूली अलवर में अपने आवास से मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय पहुंचे, जहां पर उनका समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और जमकर आतिशबाजी की गई। इस दौरान जूली ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया।